International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, Opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. इसमें हमारा ये है कि जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय में जो हम लोग बैठते हैं, हमें वार्षिक निरीक्षण के लिए अलग अलग जिले या रेंज ऑफिस दिए जाते हैं। तो मेरे पास जिला भीलवाड़ा और अजमेर रेंज ऑफिस है जिसका मैं इस बार एनुअल इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। और एनुअल इंस्पेक्शन जो करना है उसमें जो एनुअल इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं, बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो पिछला जो एक साल गुज़रा है उसमें रेंज की, रेंज ऑफिस की या जो हमारा जो ज़िला है जिसको हम इंस्पेक्ट करेंगे उसमें जो हमने अलग अलग मापदंड दिए हैं उस पर वो ज़िला कैसा उतरता है। और उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किस किस तरह से उत्पन्न हुई और कैसे जो वहाँ पे मुकामी अधिकारी थे उन्होंने उस स्थिति से निपटा, और इसी तरह से क्राइम जो अपराध स्थिति कैसी है, किस तरह के अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो वो हम लोग उसको भी चेक करते हैं। और साथ ही साथ मुख्यालय की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी सारी प्राथमिकताएं हैं जिसे हम प्रायोरिटीज़ जिसे हम कह सकते हैं। तो जो ये अपराध रिलेटेड प्राथमिकताएं हैं या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्राथमिकताएं हैं, हम उनका भी चेक करते हैं कि वेदर वो प्राथमिकताओं पे सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सर, आपके पास टेली कम्युनिकेशन का चार्ज है जी, तो नहीं लगता पिछले दिनों के अब जिस तरह से माहौल बदल रहा है तो क्या पुलिस को भी जो मेरा चार्ज है वो टेक्निकल सर्विसेज का है जिसमें टेली कम्युनिकेशन एक हिस्सा है, और उसमें और भी चीज़ें हैं जैसे डायल 112, जैसे उसे डायल 100 भी कह सकते हैं जो सारे स्टेट में लागू होगा, और CCTNS एक और हमारा बहुत अच्छा क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम है जिसके तहत हम लोग क्राइम पे और क्रिमिनल पे नज़र रखेंगे। ये टेक्निकल सर्विसेज हैं, नहीं हम कुछ ऐप ला रहे हैं। अभी जो आपने बात कही है टेली कम्युनिकेशंस की, ये बात सच है कि कम्युनिकेशन चालू है, चल रहा है, ठीक चल रहा है, परंतु उसको नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम के तहत उसे अपग्रेड किया जाना ज़रूरी है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और हर वर्ष 2 या 3 जिलों को अपग्रेड किया जा रहा है। हम उसे एनालॉग से लेकर हम उसे डिजिटल कम्युनिकेशन सेटअप बना रहे हैं। आने वाले टाइम में वो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, पहले तो ये है कि जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट कर पाएँ। इस बार हमने आपकी इसी रेंज में टोंक जिले को पिक किया है, तो टोंक जिले को हो रहा है, अलवर और भिवाड़ी के प्रपोजल भी भेजे गए हैं, जयपुर ग्रामीण हो चुका है। इसमें बेसिकली ये है जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप बात से भी मैसेज भेज सकते हैं और बहुत अच्छा क्लियर नेटवर्क होता है वो, और उसमें हमने अफसर्स का अलग से नेटवर्क बनाने की एक वो उसमें फैसिलिटी रखी हुई है। तो ऐसे धीरे धीरे सब जिलों को अपग्रेड किया जाएगा। सर, इसमें सोशल मीडिया हिस्सा है, सोशल मीडिया हिस्सा है, और सोशल मीडिया पे हम लोग उस पर वॉच भी रख रहे हैं और किस तरह से आगे वो बिल्ट अप और डेवलप हो रहा है उसको देख भी रहे हैं। और ख़ास तौर पे पुलिस जो विभाग की तरह से हम लोग भी सोशल मीडिया से लोगों के साथ और जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं। हमारे अपने एक राजकॉप सिटीज़न ऐप है जो लोग ले सकते हैं, उसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सब धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के तहत और सोशल मीडिया के तहत लोगों से जुड़ रहे हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे और पुलिस का क्या काम पुलिस ने किया लोगों तक पहुँचे, और अगर कोई जल्दी अपने किसी भी कंप्लेंट के बारे में जानना चाहता है तो उसको भी हम लोग बता पाए।